साहरघाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर केरवा गांव के ब्रह्मस्थान के समीप छापेमारी कर चार बाइक पर लदे 990 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरभंगा जिले की यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत कादिराबाद के सुंदरपुर चित्रगुप्त नगर निवासी राजा कुमार के रूप में हुई है, जबकि मौके से एक तस्कर फरार हो गया। कार्रवाई थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। जब्त शराब में 990 बोतल नेपाली देसी शराब और दो स्कूटी एवं दो ग्लैमर बाइक शामिल है। फरार तस्कर की पहचान केरवा निवासी कृष्णा यादव के रूप में बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार की दोपहर खटखट्टी चौक पर साहरघाट पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय गुप्त सूचना मिली कि शराब माफिया कृष्णा यादव नेपाल के अखरहर घाट के रास्ते शराब की खेप ले जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जवानों के साथ केरवा ब्रह्मस्थान से युक्त शराब के साथ तस्कर को धर दबोचा। हालांकि अन्य तस्कर मौका का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब और बाइक जब्त कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।